हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी में पार्ट टू ई की मात्रा करवाएंगे। इसमें आपकी छोटी ई और बड़ी ई दोनों की मात्राएं ही दी गई हैं पार्ट टू में। तो अब हम आपको पहले छोटी ई की मात्रा सिखाएंगे। जैसे आप पता है ई, इसे हम एकदम झटके से बोलते हैं। जैसे आपकी आपको पिछली मात्रा में बताया था कि आ की मात्रा को हम खींच कर बोलते हैं, ऐसे ही छोटी ई की मात्रा को हम एकदम झटके से बोलेंगे। ई किस तरह से बोलेंगे? इस तरह से। जैसे आगे देखिए, है रे ने हरण, लेकिन इसमें हमने ई की मात्रा लगाई तो ये बन गया हिरन। क्या बन गया? ही रन। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? है इ रे ने हिरन। इसे देखिए, बे गे इ या बगिया, ते के इ या तकिया। इसमें ई नहीं लिखना है, ई की मात्रा लगानी है। ई की मात्रा जो है वो आगे की साइड लगती है। ध्यान रखेंगे सब बच्चे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो छोटी ई की मात्रा होती है वो आगे की साइड लगती है, और जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो वर्ण के पीछे लगती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि आपने लिखा है हिरन, ये लिखा है रन हिरन, लेकिन अगर हम इसमें आगे की साइड मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा सही है, लेकिन अगर हम इसे पीछे की साइड मात्रा लगाएंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हिरन। समझ में आया सभी को? तो हमने इसमें क्या लिखा बच्चों? हिरन। आगे देखते हैं, फिर आता आपका सितार, सितार। किताब, या चिड़िया। ऊंचे स्वर में पढ़िए, ये आपको ऊंचे स्वर में पढ़ना है। देखिए छोटी ई की मात्रा हमने आगे लगा रखी है, हर जगह वर्ण के आगे छोटी ई की मात्रा दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। खे ई ले खिल, क्या आएगा? खै ईले खिल, मैं ईले मिल। के वे इ कवि, रे वे इ रवि। के इ रे न किरण, है इ रे न हिरन। खै टे इ या खटिया, पे है इ या पहिया। बे आ रे इ शे बारिश, के इ शे किश, मैं इ शे मिश किशमिश। ओके स्टूडेंट्स, आगे देते हैं, पढ़िए और समझिए। चे ई रे ई या चिड़िया, इधर इधर आ, चिड़िया चिड़िया इधर आ, चिड़िया चिड़िया बे गे ई या बगिया आ, चिड़िया चिड़िया ते ई ने का तिनका ला, ते ई ने का तिनका, ते इ ने का तिनका, मैं इ ले आ कैरे मिलाकर, घर घर बे ना बना, तिनका तिनका मिलाकर घर बना। चे इ कैचिक, चे इ कैचिक, पे इ कैपिक, पे इ कैपिक गाना गा, चिक चिक पिक पिक गाना गा। धातिन धातिन नाच दिखा, क्या आएगा? धातिन धातिन, धातिन धातिन नाच दिखा। एक बार दोबारा पढ़ा रही हूँ। चिड़िया चिड़िया इधर आ, चिड़िया चिड़िया बगिया आ, चिड़िया चिड़िया तिनका ला, तिनका तिनका मिलाकर घर बना, चिक चिक पिक पिक गाना गा, धातिन धातिन नाच दिखा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब आती है आपकी बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा आपको पीछे की साइड लगानी होती है, वर्ण के पीछे की साइड। आपको मैंने बताया कि छोटी ई की मात्रा तो हम वर्ण के आगे लगाते हैं, छोटी ई की मात्रा तो हम वर्ण के आगे लगाते हैं, लेकिन बड़ी ई की मात्रा हम वर्ण के पीछे लगाते हैं, यानी इस तरीके से लगाते हैं, और छोटी ई की मात्रा हम इस तरीके से लगाते हैं। समझ आया? चलिए देखते हैं आगे हम। देखिए
ई परी। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा को खींचकर बोलते हैं, जैसे आ की मात्रा को हम खींचकर बोलते हैं, ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा को हम खींचकर बोलते हैं। एक मात्रा हम झटके से बोलते हैं और एक मात्रा को हम खींचकर बोलते हैं। घेड़ ई घड़ी, खे ई रे आ खीरा, ले ई चे ई लीची, मैं कह रे ई मकड़ी, बे कह रे ई बकरी। ऊंचे सुर में पढ़ी देखिए, खे ई रे खीर, वे ई रे वीर, ने मैं ई नमी, थे मैं ई थमी, ने ई ले ई नीली, पे ई ले ई पीली, मैं छे ले ई मछली, बे दे ले ई बदली, बे ई मारे बीमार, से जे ई ले ई सजीली। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपके कि बड़ी की मात्रा को हमेशा वर्ड के पीछे लगाएंगे और खींचकर बोलेंगे। आगे देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए कैसे पढ़ेंगे, ए कह रहे ई अकड़ी, ए कह रहे ई अकड़ी, मैं कह रहे ई मकड़ी, अकड़ी अकड़ी मकड़ी, खा रही थी ककड़ी, ककड़ी भीतर एक तो कीड़ा, चीखी मकड़ी कीड़ा कीड़ा, मकड़ी फसली गिरी धड़ा, यदि याद आई नानी हाय राम। क्या हुआ, याद आई नानी हाय राम। समझ आया आपको, एक बार दोबारा समझा रही हूँ। ए कह रहे ई अकड़ी, ए कह रहे ई अकड़ी, मैं कह रहे ई मकड़ी, अकड़ी अकड़ी मकड़ी, खे आ खा रहे ई रही, थे ई थी कह कह रहे ई ककड़ी, खा रही थी ककड़ी, कह कह रहे ई ककड़ी, भय ई तेरे भीतर एक एक था, कह ई रा कीड़ा, चह ई खे ई चीखी, मैं कह रहे ई मकड़ी, की ईड़ा कीड़ा, कह ईड़ा कीड़ा, मैं कह रहे ई मकड़ी, फै ई सैल ई फिसली, गह ई रे ई गिरी, धैड़ा मैं धड़ाम, ये आधे याद आई आई, ने आ ने ई नानी हाय राम। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये आपकी चित्रकथा है, इस पिक्चर को देखकर आपको एक स्टोरी याद आ जाएगी कि एक शरारती घड़ियाल की कहानी है। ओके, समझ में आया सबको, चलिए देखते हैं। मैं आपको एक बार फिर भी पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ कि एक घड़ियाल है, ये पानी में रहता है, ये पानी में रहने वाली सभी मछलियों को पकड़कर खा जाता है। तो इस देखिए, आपने जो मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, तो जो घड़ियाल है वो पानी में तैरने के लिए गया और उसने वहाँ पर सारी मछलियाँ खा ली। फिर इनमें से एक जो मछली होती है, बड़ी मछली होती है, वो इनसे कहती है कि एक साथ हम एक ग्रुप में मिलकर चलेंगे। तो ये इच्छा ग्रुप में मिलकर चलने लगती है, तो ये सारी मछली बनकर एक बड़ी मछली बन जाती है। ये सारी मछली आपस में जब जुड़ जाती है तो ये एक बड़ी मछली बन गई। तो इन्हें देखकर घड़ियाल सोचता है, ओह इतनी बड़ी मछली, अब इन्हें मैं कैसे खाऊंगा। देखिए इसमें दे रखा है, पिक्चर दे रखी है। इस चित्रकथा का उद्देश्य विद्यार्थियों को एकता में बल है का संदेश देना है। घड़ियाल छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर खा जाते हैं, मछलियाँ मिलकर उपाय सोचती हैं। सभी छोटी मछलियाँ एक बड़ी मछली का आकार बनाकर तैरने लगती हैं, उन्हें बड़ी मछली समझकर घड़ियाल भाग जाता है। समझ में आया बच्चों आपको कि इसमें जो घड़ियाल है वो जब सारी छोटी मछलियों को एक साथ जुड़कर देखता है, सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी मछली है, और वह डर कर भाग गया। ओके, ये आपकी केवल एक स्टोरी है, आपको जो समझनी है। आगे देखते हैं, फिर आता है आपका बुकवर्क। बुकवर्क देखते हैं, इसमें अभ्यास कार्य है आपका। चित्रों के नाम लिखिए, आपको चित्र देखकर इनके नाम लिखने हैं। देखिए पहले पिक्चर के सीखिए, गे ई ले आ से गिलास, डे आ के ई या डाकिया, के ई सान है किसान, पै पै ई ता पपीता, है आ थे ई हाथी, के मैं ई जे कमीज, तै ई ते ले ई तितली, ले ई चे ई लीची, पै ई चे पिच, के आकार रे ईरी पिचकारी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। सुंदर अक्षरों में लिखिए,
आपको ये वर्ड सुंदर अक्षरों में लिखने हैं, डॉट लगी हुई है, आपको इनमें केवल पेंसिल ड्रॉ करनी है। तो देखिए, कै ई की, गै ई गी, चै ई ची, मै ई मी, तै ई ती, सै ई सी। देखिए इसमें डिफरेंस देखिए आप लोग, आपको डिफरेंस साफ दिख रहा होगा कि जो छोटी ई की मात्रा है उसके वर्णों के आगे मात्रा लगी है, यानी कि इस तरीके से, और जो बड़ी ई की मात्रा है उस वो वर्णों के पीछे लगी है, यानी कि इस तरीके से। सभी बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि छोटी ई की मात्रा तो हम आगे की साइड लगाते हैं और बड़ी ई की मात्रा हम पीछे की साइड लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा को हम झटके से बोलते हैं और बड़ी ई की मात्रा को हम लंबा खींचकर बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे आते हैं आपके सही शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। अब आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, इन पिक्चर्स के साथ आपको दो शब्द दे रखे हैं, जो शब्द आपका सही है आपको उस पर सही का निशान लगाना है। देखिए किताब, पहली पिक्चर है किताब, किताब की है, तो देखिए कै पे छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है, तो किताब पे हमेशा छोटी की मात्रा आती है, तो हमारा छोटी ये वाला वर्ड सही है। फिर आती है बिजली, बिजली, बिजली पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि बै पे छोटी की मात्रा आएगी और लै पे बड़ी की मात्रा आएगी, तो हमारा ये वाला वर्ड सही है। पहिया, पहिया में हमारा है पे छोटी की मात्रा आती है, पहिया यानी कि ये वाला वर्ड सही है। सिपाही, सिपाही में हमेशा सै पे छोटी की और है पे बड़ी की मात्रा आएगी, तो सिपाही में हमारा ये वाला वर्ड सही है। बकरी, बकरी में हमेशा रे के पीछे मात्रा आती है, तो ये वाला वर्ड सही है, ये हमारा गलत है। खिड़की, खिड़की में भी खै पे छोटी की मात्रा आएगी और कै पे बड़ी की मात्रा आएगी, तो खिड़की में हमारा ये वाला वर्ड सही है। आगे दे गए, दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। ये शब्द दे रखे हैं तो आपको उन्हें पहचान करके लिखनी है कि छोटे की मात्रा के शब्द कौन से हैं और बड़ी ई की मात्रा के शब्द कौन से हैं। देखिए सीटी, सीटी पे दोनों पे बड़ी ई की मात्रा है, तो यानी कि सीटी इस वाला इस ई की मात्रा का शब्द है। फिर आता है हिरन, हिरन हमारे पे, हिरन पे छोटी की मात्रा दे रखी, तो हिरन छोटी ई की मात्रा का शब्द है। टिकट भी हमारा छोटी ई की मात्रा का शब्द है। बगिये भी हमारा छोटी ई की मात्रा का शब्द है। रानी पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये बड़ी ई की मात्रा का शब्द है। और पीपल पे भी बड़ी ई की मात्रा है, तो ये बड़ी ई की मात्रा का शब्द है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ये भी आपकी एक पोयम है, खेले खेल। इसे भी आपको लिखनी नहीं है, केवल पढ़नी है, और आपको अच्छी लगे तो आप इसे लर्न भी कर सकते हो। बच्चे, जो बच्चे हैं वे खेल खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, हरा किनारा नदी की धारा, हरा किनारा नदी की धारा, मछली रानी कितना पानी। मछली कहती है जितना कहती मीना रानी। बच्चे, फिर बच्चे कहते हैं हरा किनारा नदी की धारा, मछली रानी कितना पानी। मछली कहती है जितना कहता नितिन राजा। बच्चे फिर कहते हैं हरा किनारा नदी की धारा, मछली रानी बाहर आ जा। ओके स्टूडेंट्स, ये एक पोयम है, बच्चे खेल खेल रहे हैं और सब एक दूसरे का नाम लेके बोल रहे हैं, तो मछली जो है वो जवाब दे दी जा रही है। तो सभी बच्चे इस पोयम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।